आप सभी का खैर मकदम है डेक्कन टुडे न्यूज पर, जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। डेक्कन टुडे न्यूज के एडिटर इन चीफ है जनाब सिराज साहब। आइए बढ़ते हैं अहम खबरों की जानिब। खबरनामा के पेश करता है एनएमसी यूनानी प्रोडक्ट, जिसके इस्तेमाल से डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पाइल्स, नेक पेन, किडनी स्टोन, नर्वस प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, लीवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम तमाम से नजात पाए। एनएमसी यूनानी प्रोडक्ट जिमरीज ग्रुप के तहत बनाया गया। मजीद तफसलात के लिए कॉल करें एनएमसी यूनानी प्रोडक्ट, विजय नगर कॉलोनी, हैदराबाद। नरसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के तहत देर रात शेखपेट और अलकापुर रोड के रास्ते में कुछ नामालूम अफराद ने मिलकर मुस्लिम कैब ड्राइवर को जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने लगाए। एमबीडी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान की जानिब से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उबर ड्राइवर सैयद लतीफ उद्दीन मजीद तफसलात बता रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह कार को तबाह किया गया, पत्थर फेंक कर कार के शीशे तोड़ दिए गए। वुमेन कांग्रेस की जानिब से जबरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झूठा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव झूठा, मिलकर देश को लूट रहे हैं। वुमेन कांग्रेस ने एहतजाज के दौरान लगाए ये नारे। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं। इस बार आरटीओ पर इंतजार करने की जरूरत नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खुद लाइसेंस के लिए रजिस्टर करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। भारतीय जनता पार्टी हुई दोबारा फेल। खबर है मणिपुर से, जहां स्टूडेंट ने मिलकर बरहमी का इजहार करते हुए पोइरो कोंगजिन गवर्नमेंट हाई स्कूल पर किताबें फेंकी और एहतजाज दर्ज किए स्कूल के रूबरू। स्टूडेंट्स शिकायत किए स्कूल में टीचर्स की कमी देखी जा रही है, बीजेपी हुकूमत कोई मदद नहीं कर रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है मुजफ्फरनगर से, जहां काकरौली पुलिस स्टेशन हदूद के तहत दो ग्रुप्स के दरमियान खौफनाक झड़प देखी गई। फिलहाल तमाम से पूछताछ की जा रही है और झड़प की वजह मालूम की जा रही है। खबर है बरेली से, जहां एक शख्स गाने पर झूमते हुए नाचते हुए दिखाई दिए, लेकिन नाचते दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और मुकामी हादसे पर उनकी मौत वाकई हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल हो रही है। 1,33,00,000 रुपए की लागत से और नोटों की मदद से गणेश को सजाया गया। गणेश नवरात्रि त्योहार के मौके पर गणेश को सजाया गया था कुल 1,43,00,000 रुपए के नोटों से, वेंकैया ट्रस्ट भवन की जानिब से वरंगल जिले में। छत्तीसगढ़ के इलाके बिलासपुर में पिछले 2 से 3 दिनों के लिए लगातार कुछ लोगों की जानिब से फसाद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर ये लोग तोड़फोड़ करते हुए कैमरे पर कैद हो रहे हैं। बताया जा रहा है ये जुल्म का तीसरा वीडियो है, जहां हंगामा करते हुए देर रात के वक्त शहरियों को परेशान किया जा रहा है। इंस्टाग्राम रील शूट करने के दौरान नौजवान ट्रेन से हादसे का शिकार, लापरवाही के सबब। एक नौजवान शख्स जो वदेपल्ली के रहने वाले हैं, इंस्टाग्राम रील शूट करने के लिए वो खाजीपेट ट्रेन के करीब से लापरवाही करते हुए चल रहे थे। अचानक ट्रेन ने नौजवान शख्स को टक्कर दे दी, जिसमें नौजवान शदीद तरीन तौर पर जख्मी हो गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आवाम से मुखातिब करते हुए कहे, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब करते हुए हल्ला बोल रैली पर इतवार के दिन रामलीला मैदान में कहे, अपोजिशन पार्टी लगातार आवाम के दरमियान टेंशन पैदा कर रही है। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, और इससे देश का नुकसान होगा। देश का फायदा हो ही नहीं सकता, फायदा देश के दुश्मनों को होगा, फायदा चाइना को होगा, फायदा पाकिस्तान को होगा, मगर हिंदुस्तान को नहीं होगा। हिंदुस्तान में जितनी भी नफरत फैलेगी, जितना क्रोध फैलेगा, जितना डर फैलेगा, उतना हिंदुस्तान कमजोर होगा। और पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। जो हमारी आर्थिक शक्ति थी उसको खत्म किया, बेरोजगारी